इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रोगन आर्ट पेंटिंग कैसे करते हैं और किस तरह से होती है। ये देख रहे हैं आप, सबसे फेमस ट्री ऑफ लाइफ हो रहा है रोगन आर्ट पेंटिंग में। सबसे पहले एक पेस्ट को हथेली पर घिस के उसे कपड़े पे उतारा जाता है अलग अलग डिजाइन और शेप में। उसके बाद कपड़े को फोल्ड करके फ्रेन की शक्ल में उसे थोड़ा सा दबाया जाता है और उसके बाद फिर कपड़े को खोलते हैं तो दोनों तरफ वो डिजाइन आती है, इसीलिए इसे फ्रेन टाइप डिजाइन भी कहते हैं। अब ये पेस्ट कैसे बनती है वो हम आज आपको सिखाएंगे। सबसे पहले कैस्टर ऑयल की हमें थिक पेस्ट बनानी पड़ती है। कैस्टर ऑयल को 6 से 7 घंटे तक उबालना पड़ता है, उसके बाद इस तरह की थिक पेस्ट बन जाती है। उसमें चॉक पाउडर और कलर पाउडर नॉर्मल मिलाकर हम ये पेस्ट बनाते हैं और उसे पानी में रख देते हैं ताकि ये सूख न जाए। और उसके बाद हम इस तरह से अलग अलग शेप और अलग अलग डिजाइन में हम उसे कपड़े पे उतार सकते हैं। ये मशहूर ट्री ऑफ लाइफ और ये रोगानाट की साड़ी है, लहंगा रोगानाट का, रोगानाट का ब्लाउज पीस, बहुत सी चीज़ें इसमें बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।